बीजेपी और उसके सहयोगी दल के नेताओं द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ भड़काऊ और उकसाने वाले बयान देने के बाद राहुल गांधी की एसपीजी कवच सुरक्षा की मांग और बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन एसीएम प्रथम को दिया गया। अफजल साबरी जिला चेयरमैन अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस ने ज्ञापन में मांग की कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल के नेताओं द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ भड़काऊ और उकसाने वाले बयान देना और बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा तरविंदर सिंह मारवाहा, केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू, यूपी के मंत्री रघुराज सिंह के साथ साथ शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही न करना दोनों एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। प्रदर्शन में मुख्य रूप से अफजल साबरी जिला चेयरमैन अल्पसंख्यक कांग्रेस, इरशाद हुसैन महानगर चेयरमैन, मोहम्मद नाजिम, गुलवेज सिद्दीकी, भयंकर सिंह बोध, बन्ने पहलवान, राजेंद्र बाल्मीकि, मोहम्मद मियां, अनवर अली, कामिल मंसूरी, मुख्तार हुसैन, नईम अंसारी, मोहम्मद आसिफ, जमील अहमद, शमीम अहमद, दानिश कुरैशी आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। प्रदेश चेयरमैन अल्पसंख्यक विभाग के माननीय शाहनवाज आलम साहब के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में हमने भी ये जनपद मुरादाबाद में ज्ञापन दिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि राहुल जी को लेकर जो भाजपा के नेता, आरएसएस के नेता उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं, उनको धमकियां तक दे रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा और भाजपा के सहयोगी दल पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। क्योंकि राहुल जी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, जितनी जिसकी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो इसी से जो है भाजपा बौखला गई है। जो जनता के मुद्दे हैं उनसे हटकर मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, या योगी जी हों, या भाजपा का कोई और मंत्री हो, 24 घंटे उसको कांग्रेस और राहुल जी, सोनिया जी याद है। इसके अलावा कोई जनता का मुद्दा नहीं है। ना बेरोजगारी का मुद्दा उन्हें याद है, ना अत्याचार का मुद्दा उन्हें याद है, ना महिला उत्पीड़न का मुद्दा उन्हें याद है, कोई मुद्दा याद नहीं है। हर वक्त सिर्फ राहुल जी के खिलाफ भड़काऊ भाषण और उनके खिलाफ बयानबाजी करना और उनकी उल्टी सीधी धमकी देना। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग? ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग करी है कि राहुल जी की एसपीजी सुरक्षा मुहैया कराई जाए और जो नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए हैं, जिसके वीडियो प्रसारित हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।